हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशल मसाला के साथ दही वाली अरबी सूखी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्टी सी अरबी की सब्जी को बनाना। सूखी अरबी बनाने के लिए मैंने ली थी 500 ग्राम अरबी। इसको मैंने धो के एक सीटी लगा के इसको उबाल के इसका छिलका निकाल के इस तरह से मैंने दो पीसेस में कट कर ली है। अरबी को छोंकने के लिए एक छोटी चम्मच अजवाइन, थोड़ी सी हींग। अरबी के लिए हम मसाला तैयार कर लेंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और तीन, तो इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी इसमें डाल लेते हैं। तो इसे एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल, तो तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। और इस अरबी को मैं एक खास मसाले के साथ बना रही हूँ, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो अरबी के लिए मैंने खास तरह का मसाला बना के तैयार रखा है। इसमें मैंने 4 हरी मिर्च ली और 8-10 कलियाँ लिया लहसुन की और 1 इंच अदरक, इसको मैंने अच्छे से कूट लिया है। तो इस तरह से अगर हम मसाला बना के डालेंगे तो इसका अरबी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तेल अच्छे से गर्म है तो हींग और अजवाइन डाल देंगे। एक बार चला देते हैं। अजवाइन हमारी अच्छे से भुन गई है, तो जो हमने मिर्च और अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना के रखा है यानी दरदरा कुटा हुआ, तो इसको इसमें डाल देते हैं। इसे मैं अच्छे से भून लूंगी। लहसुन अदरक अच्छे से भून गए हैं, देखिए। तो अब इसमें हम जो हमने मसाला तैयार करके रखा है हल्दी नमक मिर्च का, तो इसको इसमें डाल देंगे। मसाला हमने डाल दिया है, तो अब इस मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं। तो मसाला हमें जब तक भूनना है जब तक कि इसका तेल जो है अच्छे से बाहर ना आ जाए। तो जितना हमारा मसाला भुनेगा उतना ही हमारा अरबी बहुत ही टेस्टी बनेगी। मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है, तो इसमें हम 2 चम्मच दही डाल देंगे। ये हमारा एकदम फ्रेश है, तो दही को हम मसाले के साथ अच्छे से भून लेते हैं। दही मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, देखिए एकदम परफेक्ट मसाला हमारा भुन के तैयार हुआ है। इसमें तेल अच्छे से बाहर आ रहा है। तो अब इसमें हम जो हमने उबली हुई कटी हुई अरवी ली है, तो अरवी को इसमें मिक्स कर देंगे और मसाले के साथ इसे इस तरह से अलटते पलटते हुए इसे मिक्स कर देंगे। मसाला अरवी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो इसमें हम 1-2 चम्मच करीब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमें ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ सूखी अरबी बना रहे हैं। तो इसको देखिए इस तरह से मिक्स करके और 3 से 4 मिनट के लिए इसे ढक देंगे, जब तक जो हमारा मसाला है अरबी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। 5 मिनट हो चुकी है, तो अरबी को चेक कर लेंगे। तो देखिए अरबी हमारी एकदम अच्छे से बन के तैयार है, बहुत ही टेस्टी अरबी लग रही है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसमें डाल लेंगे हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। सूखी मसाला अरबी बनके तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आए तो वर्षास किचन को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।